तेज हरियाणा के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज कांग्रेस की तरफ से लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद और प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर डबवाली से कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर केवी सिंह के नेतृत्व में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर केवी सिंह जी हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर आज आप सड़कों पर उतरे? सबसे मुख्य आपके क्या आज के मुद्दे हैं? सबसे अहम जो कारण है इस सारी चीज का, वो जो तीन काले कानून मोदी सरकार जबरदस्त थोपना चाहती है, उसके कारण ये इस तरह की हमारे किसानों के साथ घटनाएं हो रही हैं। और इसलिए हमसे सबसे पहली मांग ये है कि इन तीनों काले कानून को वापस करके किसानों को मान सम्मान देकर इस देश में लोकतंत्र को बहाल करने का काम करें। दूसरा, जिस तरीके से लखीमपुर में सरेआम चार किसानों की जो हमारे हत्या करके जो शहीद हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने मांग की है कि जब तक अजय मिश्रा बर्खास्त नहीं हो तो जांच नहीं हो सकती निष्पक्ष। निष्पक्ष जांच के लिए उसको बर्खास्त किया जाए और फौरी तौर पे उसके बेटे को हिरासत में लिया जाए। सर, प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंचे थे, उन्हें भी हिरासत में लिया? हाँ, मैं ये आ रहा हूँ उस पर। दूसरा कि ये कह रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं उसे दंगा भड़केगा। अगर परिवार में आपके मेरे परिवार में कोई हादसा हो जाए क्या रिश्तेदार पूछने नहीं आएगा? बिल्कुल। तो ये जनता हमारा परिवार है, हमारे परिवार के साथ जाति हो रही है, हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, तो क्या हम उनका हालचाल दुख दर्द करने पहुंच नहीं जाएंगे? और इस तरीके से बगैर कोई वारंट के अवैध में हिरासत लिया, ये निंदनीय है। और जिन्होंने भी हिरासत में लिया प्रियंका गांधी को और भाई दीपेंद्र हुड्डा को, उनको तुरंत गिरफ्तार कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग। सर, अभी सीएम खट्टर की तरफ से भी एक बयान आया था कि किसानों को रोकने के लिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया है कि हर जिले के अंदर 500 से लेकर 1000 गुंडे तैयार किए जाएं, ये निंदनीय ही नहीं है। निंदनीय ही नहीं है और इसके खिलाफ हम चाहेंगे वो खेद व्यक्त भी करे और संवैधानिक तौर पे दंगा भड़काने का उन पे केस भी दर्ज किया जाए और गवर्नर से हम मांग करेंगे कि ये दोनों कार्रवाई की जाए। सर, आपको लगता है कि सरकार आप किसान आंदोलन को दबाने का प्रयास करी, किसान आंदोलन को खत्म करने की तैयारी में है सरकार? किसान आंदोलन खत्म नहीं हो सकता जब तक मांगे नहीं मांगे। किसान आज अपने अस्तित्व की अहम की लड़ाई लड़ रहा है और सिर्फ अहम की नहीं, किसान आज उससे भी ऊपर देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और जब देश के लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो 36 बिरादरी के सारे लोग आज साथ है। सवाल आज ये किसान का नहीं है, आज ये सवाल है देश के संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, एकता और अखंडता को बचाने का। ये लड़ाई बन चुकी है और मुझे पूरा भरोसा यकीन है कि इस सरकार को झुकना पड़ेगा और किसान के मान और सम्मान को बहाल करके तीनों काले कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ डॉक्टर केवी सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़े थे और आज कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन है वो कर रही है। दरअसल लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्या हुई उसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैला है, क्योंकि लगातार कांग्रेस सहित सपा के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया, पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार जहाँ पर देश में किसानों का गुस्सा उफान पर है, क्योंकि पिछले 10 महीनों से लगातार किसान लगातार दिल्ली की सरहदों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच लखीमपुर खीरी में शांतिमय तरीके के साथ प्रदर्शन कर रहे किसानों को वहां पर बेरहमी से हत्या के मोड़ तक पहुंचाया गया। वहां पर जो एक नेता थे उनकी गाड़ी की तरफ से बुरी तरह से कुचल दिया गया और उनकी मौके पर मौत हो गई। जो इस तरह के हादसे हो रहे हैं, ज्यादतियाँ हो रही हैं, हजारों किसान शहीद हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? जब तक उस मुख्य कारण समस्या का हल नहीं होगा ये सरकार इसी तरीके से नियते किसान मजदूर पे ज्यादतियाँ करती रहेगी। तो पहला हमारी मांग है इस प्रदर्शन के मार्फत कि इन तीनों काले कानून को सरकार वापस ले
और देश में लोकतंत्र को बहाली का काम करे, किसानों का मान सम्मान पर ये तीनों काले कानून वापस करके उनको मान सम्मान के साथ घर भेजने का काम करे। और इसी कड़ी में ये अब इन्होंने एक साजिश के साथ इसको दंगा फैलाने या दबाने का काम शुरू कर दिया है। और ये आपके सामने है कि सुबह आदरणीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब कह रहे हैं अपने बयान में कि हर जिले के अंदर 500,000 लठधारी गुंडे तैयार करो और जो किसान आए उनका सामना करो, पीटने का काम करो। और वो उन्होंने बयान दिया और उसका बयान का असर कहाँ, लखीमपुर में जाके 4 घंटे के बाद लखीमपुर में उसका असर नजर आया। और आज आपके सामने वीडियो, अभी 28 सेकंड की एक वीडियो टीवी पे शाया हो रही है और उसमें बाकायदा दिखाई जा रही है काली गाड़ी, जो किसान खड़े हैं सड़क पे झंडे लेके, उनको रौंदने का काम किया और 3 किसान बोनट पे गिरे और गिरने के बाद वो नीचे गिरे, पीछे से फिर गाड़ी आई और कुचल के चली। और आज सरकार कह रही है कि हम न्याय करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, जांच होनी चाहिए, हमारी मांग भी है, पर जांच निष्पक्ष तो हो। निष्पक्ष कैसे हो सकती है जब गृह मंत्री खुद पद पे बैठा हो? तो सबसे बड़ी मांग कि गृह मंत्री इस्तीफा दे या मोदी ने बर्खास्त करे। अजय मिश्रा को लड़के को तुरंत गिरफ्तार करोगे तो उसका इंटेरोगेशन होगा, जब इंटेरोगेशन होगा तो सारी चीजें सामने आ सकती है। ये हमारी मांग है। तीसरा कि खट्टर साहब जो है जिस तरह का एक संवैधानिक पद पे, वैसे तो उनको नैतिक तौर पे पद पे रहना नहीं चाहिए, अपने आप इस्तीफा देना चाहिए, पर नहीं देते। हमें पता ये सरकार ऐसी है, इनको लोकलाज की कोई शर्म नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में लोकलाज सबसे बड़ी चीज़ है। इन्होंने लोकलाज को ताक पे रख के किसानों को शहीद करने का काम किया है। तो हम मांग करते हैं कि या तो कम से कम माफ़ी मांग लें किसानों से। अगर माफ़ी नहीं मांगते तो हम राज्यपाल से निवेदन किया है कि इनको बर्खास्त करें। और दूसरा, अगर बर्खास्त भी नहीं करें तो दंगा भड़काने का, जिस तरीके किसानों पर दंगा भड़काने के झूठे केस बना रहे हैं, तो कम से कम जो ये तो निष्पक्ष वीडियो है सामने, तो उन पर दंगा भड़काने का केस दर्ज किया जाए, ये हमारी मांग है। चौथा कि जिस तरीके से हमारी नेता प्रियंका गांधी और भाई दीपेंद्र हुड्डा को बगैर वारंट, बगैर किसी कारण अवैध हिरासत में 26 घंटे रखा है और अभी तक रिहा नहीं किया गया, और जबकि दूसरे नेताओं को रिहा कर दिया गया, उन दोनों नेताओं को अभी तक रिहा नहीं किया गया, तो उनको रिहा करें। और जिन्होंने भी अवैध रूप से उनको हिरासत में लिया है उनकी जाँच होकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। और बाकी समस्याएं बहुत हैं, मैं आज का मुद्दा हमारा ये था, इसीलिए आज सैकड़ों कार्यक्रम